वेलकम टू मूवी स्टॉक इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमने कई ऐसी साउथ इंडियन फिल्म्स देखी है जिन्होंने अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग से पूरी कंट्री में एक सेंसेशन क्रिएट कर दी है अगर हम आपको सिम्पली समझाए तो ये ऐसी फिल्म्स है जिसको कंट्री में हर किसी ने देखा है और एंजॉय किया है आर ट्रू पैन इंडियन फिल्म जो हर तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है इस वीडियो में हम ऐसी सिक्स पैन इंडियन फिल्म के बारे में बात करेंगे ट्राई टू द बिहाइंड सक्सेस दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ये लोग जिनसे मैं अनजान हूँ मैं इनका भगवान कैसे बन गया मैं कौन नंबर फाइव मारी टू 2018 में रिलीज हुई फिल्म मारी टू तो एक्टर धनुष की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है फिल्म 2015 में रिलीज हुए मारी का सीक्वल है जहां पर हम मारी नाम के कैरेक्टर की कहानी देखते हैं। इस फिल्म में धनुष का स्टाइल और कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आई थी मारी टू इज अ फिल्म दैट इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट एंड नथिंग एल्स फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी काफी सक्सेसफुल रहा है जहाँ पे यूट्यूब पे इसे टू प्लस मिलियंस व्यूज मिले हैं दिस एक्सप्लेन के मारी टू हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी कितनी ज्यादा पसंद की गई है आई एम इफ आई एम नंबर फोर रोबोट टू पॉइंट टू ट्वेंटी में रिलीज हुई फिल्म रोबोट टू पॉइंट टू एक साई फाइ फिल्म थी जो ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ कहीं इंपॉर्टेंट इश्यूज भी, भी बात करती है फिल्म रिलीज होते ही एक इंस्टेंट हिट बन गई थी एस दिस द फिल्म जिसके लिए लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे ऐसी ऑल नो टू पॉइंट टू वॉस्ट सिक्वेंट ऑफ द फिल्म रोबोट जो ईयर ट्वेंटी टेन में रिलीज हुई थी रोबोट एक ऐसी फिल्म थी जिसने इंडिया में साई फाई जॉनर को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया था रोबोट थिएटर भी सक्सेसफुल होने के साथ साथ फिल्म को टीवी पे व्यूअर्स ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था वी ऑल ग्रो अप वॉचिंग रोबोट ऑन टेलीविजन और इसलिए जब इसका सीक्वल अनाउंस हुआ एवरी वन वॉज एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस इट 2.0. नंबर थ्री पुष्पा ईल नो वेरी वेल की सुकुमार डायरेक्टेड फिल्म पुष्पा ने ऑल ओवर इंडिया ऑडियंस को एंटरटेन किया है पुष्पा आज इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि लोगों को फिल्म के डायलॉग से लेकर डांस स्टेप तक याद है पुष्पा उस ईयर की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक थी मगर जब फिल्म रिलीज हुई तो कोविड की थर्ड वेव आ चुकी थी लेकिन इसके बावजूद भी लोग फिल्म को थिएटर्स में देखने गए थे इन फैक्ट रिलीज होने के कुछ टाइम बाद फिल्म प्राइम वीडियो पे अवेलेबल थी बट स्टिल पीपल प्रेफर टू वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर दिस ट्रूफ कि लोगों ने फिल्म को कितना एंजॉय किया था पुष्पा के सक्सेस के बाद मेकर्स डिसाइडेड टू रिलीज पार्ट टू इन एवरी इंडियन लैंग्वेज पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं नंबर टू के जी एफ ऐसी नो एक फिल्म पैन इंडिया सक्सेस तब बनती है जब कंट्री के मैक्सिमम ऑडियंस फिल्म को पसंद करे दैट इज बॉट एगैक्टली जी एफ के जी एफ को ऑडियंस ने बहुत इंजॉय किया वेयर एवरी वन सीम टू कनेक्ट विद द जर्नी ऑफ द प्रोटेगनेस इट वॉज अ फुल ऑन मैस फिल्म विद लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर एंड ओवर द टॉप एक्शन यश ने जैसे अपने कैरेक्टर रॉकी को प्ले किया था इट वॉज पिच परफेक्ट द यूथ कनेक्टेड विद विदाइल ऑफ दिस कैरेक्टर और इसी वजह से फिल्म ऑल ओवर इंडिया इतनी पॉपुलर बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अराउंड टू हंड्रेड एटी क्रोर्स का बिजनेस किया था तेरे बाप की और तेरा बाप मैं। नंबर वन बाहुबली द बिगिनिंग यू विल अग्री वेन बी से बाहुबली एक ट्रू पैन इंडियन फिल्म है क्योंकि इस फिल्म ने ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक हर किसी को अपना फैन बना लिया था एवरी वन वॉज प्रेजिंग सीन सी फिल्म जिसकी स्टोरी इतनी पावरफुल थी पर वो विजुअली भी इतनी रिच थी बाहुबली को हमने फर्स्ट स्पॉट पे इसलिए रखा है क्योंकि ट्रूली अ स्पेशल फिल्म एज यू नो की फिल्म एक पीरियड ड्रामा थी तो नेचुरली इस फिल्म को एक्सिक्यूट करना मेकर्स के लिए बहुत रिस्की था फिल्म को बनाने में अराउंड पाँच साल लग गए थे जहाँ फिल्म का बजट कुछ वन हंड्रेड का था इसके साथ ही इट इज बिलीव की ये डायरेक्टर एस एस राजमौनी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको वो हमेशा से बनाना चाहते थे सिंस फिल्म की मेकिंग कॉस्ट इतनी हाई थी इसलिए किसी भी एक्टर ने इस फिल्म में काम करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की थी